अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं ओंकार भक्त जन सदपुरुष और मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए प्राणी जिसमें डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करते हैं। मैं नाम स्मरण की ऐसी पवित्र धार हूं, मैं ओंकार हूं। शिव पार्वती के क्रोध की ज्वाला से पीड़ित राहु रक्षा के लिए जलंधर को पुकारता है, किंतु जलंधर राहु को प्रताड़ित कर कैलाश पर आक्रमण करता है। इंद्र बृहस्पति ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। विष्णु लोक में लक्ष्मी चिंतित है कि कहीं शिव जलंधर को भस्म न कर दें। शिव पार्वती जलंधर की सेना को देखते हैं। पार्वती उत्तेजित होती है। कहीं देवी पार्वती, आपने मुझे किस कार्य व कारणवश स्मरण किया है? श्री हरि, दुष्ट जलंधर ने मुझ पर कुदृष्टि डालकर मेरे सतीत्व तेज को आहत किया है। अब तो उस दुष्ट का अंत होना ही चाहिए। पर कैसे? आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसे? जो दुष्ट दूसरे की पत्नी की गरिमा नहीं समझता और उस पर कुदृष्टि डालता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। उस दुष्ट जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण किया, मुझ पर कुदृष्टि डाली और मुझे सुंदरी कहा। जलंधर का उद्देश्य तो अपवित्र था, दृष्टि मलिन थी, मन में पाप था। हम तो जलंधर को समाप्त करना चाहते हैं। फिर उस असुर ने मेरे स्वामी पर प्रहार कर उनकी शक्ति को चुनौती दी है। क्यों? किस कारण से? क्या सोच रहे हैं श्रीहरि? अब भी वो अधम यदि जीवित रहा तो जगत में उत्पात मचाता रहेगा। हे मायावी, झल किया है तूने हमसे, तू दंड पाने के योग्य है। दशराज महाबली जलंधर हूँ, मेरा जन्म युद्ध करने और देवताओं को परास्त करने के लिए हुआ है। ये संभाल मेरा वार। क्यों राहु, शीश झुका हुआ है? क्या लज्जित हो अपने दुष्कर्म से? लज्जित भी और दुखी भी। अरे ये तो शुभ लक्षण है। अहंकारी और दुष्कर्मी यदि अपने कर्मों पर लज्जित होने लगेंगे तो जगत में सर्वत्र शांति और सुख व्याप्त हो जाएगा, सत्कर्मों का ही बोलबाला होगा। नारद, तुम सदा जगत के सुख का राग ही क्यों लापते रहते हो? इसलिए कि ये सर्वश्रेष्ठ राग है। इसी राग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और इसी राग से ये सृष्टि संचालित होती है। जिसने भी ये राग जान लिया उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तुम भी आलापो इस राग को राहु, तुम्हारा भी कल्याण ही कल्याण होगा। अपने ही कहते रहोगे या मेरे भी सुनोगे? नारायण नारायण, आज तुम्हारे पास भी सुनाने के लिए कुछ है। उत्तम, अति उत्तम, सदा तो सुनते ही रहते हो, आज सुनाओगे? सुनाओ, शीघ्र सुनाओ। तुम मुझसे लज्जा का कारण पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ, वैसे अहंकार और दुर्भावना का आभास होते ही लज्जा आती है, किंतु तुम्हारे साथ क्या कारण है? क्या दैत्यराज जलंधर ने तुम्हें प्रताड़ा है? नाम ना लो उस दुष्ट का।
वो दैत्य नहीं, दैत्यों का शत्रु है। यदि मुझे उसकी दुष्टता का ज्ञान पहले होता तो कभी साथ न देता। उसका साथ देने के कारण ही मैं लज्जित हूँ। अभ्यास करो लज्जित होने का, और अपने अन्य असुर बंधुओं को भी अभ्यास कराओ। सबका कल्याण ही कल्याण होगा। परंतु इतना भी समझ लो कि भगवान भोलेनाथ के हाथों ही जलंधर का वध होगा। शिव शंकर से युद्ध करके अपने सर्वनाश का आयोजन मत कर। अब भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। युद्ध रोक कर इनसे क्षमा मांग, ये अवश्य तुझे क्षमा कर देंगे। अरे गुरु, कैसे गुरु हो तुम? कभी इस ओर तो कभी उस ओर। अरे बार बार दल बदलोगे तो तुम्हें गुरु कौन मानेगा? अरे निर्बुद्धि, समय की पच्चाप सुन, काल के मंद पगों की आहट सुन, जो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। समय रहते संभल जा, फिर अवसर नहीं मिलेगा। युद्ध भूमि से भाग जाने वाले अवसरवादी दैत्य गुरु, मैं तुम्हारी भांति अवसरवादी नहीं हूँ। सामने दुर्बल देखा तो डट गए और बलवान देखा तो हट गए। मुझे उपदेश देने का अधिकार अब तुम खो चुके हो। पर तू तो अपने प्राण ही खो देगा इस युद्ध में। क्यों मेरे क्रोध को भड़का रहे हो? यदि यह क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो कोई भी मंत्र शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। हाँ, मेरे प्राणों की चिंता छोड़कर तुम अपने प्राणों की रक्षा करो दैत्य गुरु। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। देखा दैत्य गुरु, तुम्हारे शिव का त्रिशूल भी मेरे प्रभाव से व्यर्थ हो गया। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जलंधर, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे कि त्रिशूल का इस भांति असफल होना शिव की लीला है। परम ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ सके शिव की लीला को, तो तुम जैसा पापी क्या समझेगा? सत्य तो ये है कि काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है और अब तुम पर आकर बैठेगा अवश्य। कैसी विडंबना है कि पति शिव के साथ भीषण और निर्णायक युद्ध कर रहा है और पत्नी इधर से शिव की आराधना में लीन है। यदि वह अज्ञानी इधर आकर देख सकता
तो इस बात का ज्ञान हो जाता कि शिव का त्रिशूल उससे टकराकर असफल क्यों हो गया। वह अवश्य यह भी समझ जाता कि उसकी पत्नी वृंदा की शिव भक्ति और सतीत्व के कारण ही शिव उस पर पूर्ण प्रहार नहीं कर रहे हैं। वृंदा, वृंदा, गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। वृंदा, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती व दीर्घायु का आशीर्वाद देना चाहता हूँ, किंतु मेरे और आपके आशीर्वाद के बीच ये किंतु कैसा गुरुवर? वृंदा, तुम्हारे पति जलंधर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो तुम्हारा व अपना हित अहित न विचार कर शिव से युद्ध करके सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हूँ गुरुवर। वृंदा, तुम्हारी भक्ति, प्रार्थना और सतीत्व से जलंधर के पाप की मात्रा अधिक हो गई है, इसलिए तुम्हारा सद प्रयत्न भी व्यर्थ ही होगा। नहीं गुरुवर, मेरा प्रयत्न व्यर्थ न होने दे। जलंधर की दुष्टता, नीचता व मलिनता से तुम्हारे प्रयत्न और प्रार्थना की शक्ति क्षीण हो गई है। वृंदा, इस पर भी तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने सतीत्व की रक्षा सावधानी से करनी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, तो इस समय यहाँ? परमपिता, मुझे कहाँ होना चाहिए था? अरे, ब्रह्म लीला, प्रभु लीला और शिव लीला का प्रचार प्रसार करते हो, और जब इस समय शिव लीला अपनी चरम सीमा पर है तो तुम्हें भी वही होना चाहिए था। वही लीला देखकर तो यहाँ आ रहा हूँ परमपिता, और यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपसे ये जान सकूं कि शिव जलंधर युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा। नारद, तुम अनेक बार ऐसी भूल कर चुके हो। भूल? कैसी भूल परमपिता? वही, ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों की भांति सोचने और बोलने की भूल। ऐसा मैंने क्या कहा परमपिता? प्रश्न मुझसे क्यों, स्वयं से पूछो। पूछो अपने मन से कि यदि शेर और हिरण टकराएंगे तो धराशायी कौन होगा, पर्वत और पेड़ का सामना होगा तो उसकी परिणति क्या होगी? अर्थात भगवान शिवशंकर की ही विजय होगी। नारद, तुम्हारा सोचना और प्रश्न दोनों निराधार थे। भला शिवशंकर के सम्मुख असुर कितने समय तक टिक सकता है? ये जो समय लग रहा है, इसके मूल में कारण है वृंदा की पतिव्रतता। और नारद, सत्य ये है कि ये युद्ध शिव और जलंधर में नहीं, प्रत्युत वृंदा के पतिव्रत धर्म और जलंधर के अधर्म के बीच हो रहा है। इस सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य ये भी है कि अधर्म की ओर बढ़ने की शक्ति जलंधर वृंदा से ही प्राप्त कर रहा है। और इतना तो स्वयं तुम भी जानते हो नारद कि अधर्म की मार्ग पर चलने वाले को केवल आभास होता है, मात्र लगता है कि वो विजयी हो रहा है, किंतु वो विजयी होता नहीं। आज तक नहीं हुआ, भविष्य में भी नहीं होगा, कारण कि विधाता ने सृष्टि के आरंभ में ही प्रकृति के नियमों के अनुसार अधर्मी के विपक्ष में निर्णय लेकर और उसके भाग्य में सदा सदा के लिए पराजय लिखकर उस लेखनी को तोड़ ही डाला था। माता, मेरा समाधान हो गया। परमपिता, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। नारायण नारायण। स्वामी,
मैंने एक बहुत अशुभ स्वप्न देखा है कि स्वामी युद्ध से लौट आए हैं। नहीं महारानी, युद्ध से कोई लौटा नहीं। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। सेनापति, सेनापति, ये क्या स्थिति? हमारे प्रतिकूल है महारानी जी, असुर सेना शिवगढ़ द्वारा समाप्त हो चुकी है। और स्वामी? उनका कुछ पता नहीं है। पता नहीं है क्या? क्या तुमने उन्हें शिव शंकर के साथ युद्ध करते हुए नहीं देखा? देखा था, किंतु युद्ध करते करते अचानक वे अदृश्य हो गए। हो सकता है शिव ने अपनी माया से उन्हें समाप्त कर दिया हो। मेरा सतीत्व जब तक पवित्र है तब तक मेरे स्वामी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।